झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत भैया जिंदाबाद 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 जय झारखंड। अच्छा सुनिए सुनिए, हम लोग मुख्यमंत्री को अरेस्ट नहीं किया जाएगा पहले कहे थे, वही हुआ भी, कैसे देखेंगे? मतलब कुछ हुआ आप लोगों को क्या लग? कुछ तो जो हम लोग को लग रहा था कि हो सके केंद्र सरकार का दबाव के कारण ईडी कुछ 3-5 करेगा, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता को देख के उनका पैंट में पेशाब हो गया, तो करेगा क्या? कैसे देखते हैं पूरा दिन का घटनाक्रम को? आप लोग थके नहीं? ये देखिए, थकावट नहीं होती है। हमारा राज्य का नेतृत्व करता और पार्टी का नेतृत्व करता को तंग किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है जनता के बीच और सिर्फ तंग किया जा रहा है और कुछ नहीं। चाचा कैसे देख रहे हैं सब चीज? नहीं, कैसे थकेंगे? कोई थकावट नहीं है सर, एक बार रात भर जागने के लिए तैयार है। जिस तरह से भाजपा का राजनीति के तहत ईडी है, हमारे मुख्यमंत्री जी को परेशान किया जा रहा है, ये सारी चीज लोकसभा और विधानसभा चुनाव का एक मुद्दा बना रहा है, जिसमें कि भाजपा सरकार जो झारखंड में बाबूलाल मरांडी जो नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक गद्दार नेता जो जिस तरह से पहले बीजेपी को गाली देते थे, आज उन्हीं के सत्ता में हेलकर आज हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, जिसका आज भी सफल नहीं हुआ और हम लोग इनसे गदगद हैं। जो कि नहीं भाई, आपको क्या लगता है? हम लोग जंगल के आदमी हैं, जंगल से आए हैं, जंगल में जी माटी की सरकार, बिल्कुल माटी का पार्टी है। आयुष, जैसा कि आप देख सकते हैं जेएमएम कार्यकर्ताओं का उत्साह, इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, हमारे नेता कैसा हो? आयुष, इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, आपकी आवाज मुझ तक इतना शोर है कि आपकी आवाज नहीं पहुंच रही मुझ तक। अभिषेक, आवाज बैठ गई है जेएमएम के कार्यकर्ताओं की, लेकिन हौसले बुलंद है। जो शक्ति प्रदर्शन आज जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के बाहर दिखाया है, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज साबित किया कि मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ पूरा झारखंड खड़ा है। जब से मुख्यमंत्री से पूछताछ शुरू हुई, इस भरी ठंड में, कड़ाके की ठंड में जेएमएम के कार्यकर्ता बैठे रहे, ढोल नगाड़े बजाते रहे, प्रदर्शन करते रहे, लेकिन अपने जगह से हिले नहीं। आप देखिए आयुष, मुख्यमंत्री आ रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने। आपको मैं दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें, देखिए मुख्यमंत्री जो है वो अपने कार्यकर्ताओं से तस्वीरें, देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आयुष, कार्यकर्ताओं से मिलने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। आयुष, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, भले कुछ दिख नहीं रहा होगा लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने कार्यकर्ता पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं से मिलने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। यहाँ स्थितियां आप देख सकते हैं, फंसा भाई फंस जाओगे, गिर जाओगे। आप देखिए इन तस्वीरों को आयुष, मुख्यमंत्री, ये जेएमएम के कार्यकर्ता है, इनको जिलाध्यक्ष भाई मत करिए वैसे। देखिए आयुष, ये तस्वीर देखिए आप आयुष, मुख्यमंत्री जो है वो कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख सकते हैं, अलग लेवल पर कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो बिल्कुल अलग लेवल पे है। ये तस्वीरें आप देखिए,
तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए मुख्यमंत्री जो है कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे हैं। देखिए मुख्यमंत्री, देखिए देखिए तस्वीरें आयुष, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे हैं। बहुत भीड़ है और अब आप तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री जस्टिस एलपीएन शाहदेव चौक पर, देखिए 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 आयुष, देखिए मुख्यमंत्री के चेहरे की मुस्कान, मुख्यमंत्री के चेहरे की मुस्कान, ये विजयी मुस्कान है आयुष, ये विजयी मुस्कान है। देखिए मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, देखिए देखिए ये तस्वीरें हैं आयुष, ये सिर्फ कार्यकर्ता, ये देखिए सुरक्षा कर्मियों को मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन तस्वीरें देख लीजिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं आयुष। उम्मीद करते हैं आवाज आप तक पहुंचेगी, इतनी शोर है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़, इतना शोर। ये देखिए हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री आभार प्रकट करते हुए अपने कार्यकर्ताओं का, देखिए ये देखिए, और चारों तरफ कार्यकर्ता बोल नगाड़ा, अरे शांत रहो, शांति बना लो। देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें देखिए, ऐसी तस्वीरें, ये चेहरे पर विजयी मुस्कान के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाथ जोड़ करके सबको शांत रहने की अपील करते हुए, मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील करते हुए, मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करते हुए, देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, देखिए Thank you.
तो देखा आपने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, झुकने की जरूरत नहीं है, हेमंत सोरेन खड़ा है अपने कार्यकर्ताओं के लिए। देखिए ये तस्वीरें देखिए, अब मुख्यमंत्री जो है वो वापस जा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद। देखिए कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, इतना जुनून है, देख लीजिए आप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए गेट खुल चुका है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आ रहे हैं कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए। देखिए मुस्कान के साथ, मुस्कान के साथ हेमंत सोरेन झारखंड आंदोलनकारी, हेमंत सोरेन झारखंड आंदोलनकारी शिबू सोरेन के बेटे, दिशम गुरु शिबू सोरेन के बेटे कार्यकर्ताओं से मिलते हुए किस गर्म जोशी से मिल रहे हैं, देख लीजिए ये तस्वीरें आप, ये तस्वीरें। धक्का मत दीजिए भैया, धक्का मत दीजिए, धक्का मत दीजिए, सब लोग लीजिए। देखिए ये तस्वीरें, देखिए देखिए ये तस्वीरें, देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यकर्ताओं से मिलते हुए, केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे भी यहाँ पर मौजूद है, सब लोग मिलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। देखिए तस्वीरें आयुष, ऐसी तस्वीरें रोज रोज नहीं आती हैं। देखिए तस्वीरें, देखिए मुख्यमंत्री के लिए गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, देखिए बाकायदा ये तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरें देखिए, देखिए तस्वीरें आयुष, देखिए तस्वीरें, देखिए हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड, देखिए हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड लोगों को संबोधित करते हैं। उथल पुथल आप लोगों ने देखा और हमारे विपक्ष के लोग जिस तरीके से सरकार बनने के बाद से ही सरकार गिराने के षड्यंत्र रच रहे हैं और इनके हर षड्यंत्र विफल हो रहा है। आज बड़ी सुनियोजित तरीके से, जिस तरीके से विपक्ष के लोगों को टारगेट करके प्रहार किया जा रहा है, ये देश से छुपा नहीं है, उस कड़ी में हम भी आते हैं। और आज एक आदिवासी नौजवान पहली बार अपनी ताकत पर जीत करके इस राज्य का मुखिया बना, आप लोगों के आशीर्वाद से, मूलवासी आदिवासियों के आशीर्वाद से हम लोगों ने इस राज्य को अलग किया। हमारे आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी और अनेक लोगों ने अपने वीरता का परिचय दिया है। आज हम लोगों को भी इस राज को षड्यंत्रकारी लोगों के हाथ में कभी नहीं जाने देना है। अब जो हम लोगों ने आज जिस तरीके से राज के गरीब गुरुआ मूलवासी आदिवासी छात्र छात्राओं के प्रति, गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति जो सरकार काम कर रही है, आज मुझे नहीं लगता हमारी नजरें सरकार की योजना इस राज का हर एक घर में पहुंच चुका है। आज इसी का तकलीफ है कि आज राजनीतिक रूप से ये सक नहीं रहे हैं तो पर्दे के पीछे से सत्ता को हिलाने डुलाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये सरकार कोई गाजर मूली नहीं है कि उखाड़ के फेंक दे, ये जनता ने बनाया है, जो कबाड़ेगा वो खुद कबड़ जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने भी आज दिन भर के इस जद्दोजहद की मेरी लड़ाई के साथ अपने आप को जोड़ा,
इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आने वाला समय में हर लड़ाई में आपके नेतृत्व में सबसे पहले हेमंत सोरेन खड़ा रहेगा। और इस राज पर गलत नजर रखने वालों को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसलिए अभी मौसम भी और खराब हो रहा है, अभी लगातार मौसम खराब है, इसलिए आज के इस सहयोग के लिए बहुत बहुत आप लोग का आभार प्रकट करता हूं। और आने वाला समय जो हम लोगों को राजनीतिक चुनौतियां सामने है, इसके लिए गांव गांव आप लोग पहुंचिए, लोगों को बताइए कि किस तरीके से हम लोगों को यहां के मूलवासी आदिवासियों के हमारे इस राज्य के खनिज संपदा जल जंगल जमीन को लूटने का एक षड्यंत्र बड़े घरानों की तैयारी चल रही है, आपका जेब काटकर उनके जेबों को भरने की तैयारी चल रही है। ये षड्यंत्र झारखंड में हम लोग चलने नहीं देंगे। चले इन्हीं बातों के साथ आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग घर अभी प्रस्थान कीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे आप लोग के साथ। सबको बहुत 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 धन्यवाद। अभी हम लोग के साथ आए उनको भी अभी विदा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा मैं फंसी, देखिए आयुष, देखा आपने ये तस्वीरें, देखिए हेमंत सोरेन ने खुली चुनौती दे दी है कि झारखंड राज्य के ऊपर जो भी नजर उठाकर देखेगा, झारखंड सरकार के ऊपर जो नजर उठाकर देखेगा उसका डटकर जवाब देंगे। और मुख्यमंत्री ने यह संकेत दे दिया है कि किसी भी प्रश्नों का जवाब देने के लिए सीएम तैयार है। कार्यकर्ता बहुत खुश है विनोद भैया, विनोद भैया कार्यकर्ता बहुत खुश है भैया, बहुत खुश है। कार्यकर्ता से लीजिए ना, कार्यकर्ता स्वाभाविक है खुश होंगे। उनके नेता से पूछताछ चल रही थी, नेता के ऊपर में आरोप लग रहा था, तो एक तरह से कार्यकर्ता मर्माहत भी थे। लेकिन जब उन्होंने आकर के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया तो निश्चित रूप से उनके चेहरे पे खुशी होगी और मेरे भी चेहरे पे खुशी। एक अनोखी तस्वीर देखी लास्ट खवाल, ईडी वालों का चेहरा उतरा हुआ था सीएम। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सभी कोई अपना अपना काम कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं, राज्य की जनता अपना काम कर रही है, ईडी के लोग अपना काम कर रहे हैं। चलिए तो देखिए, और मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए अच्छा देखिए तस्वीरें बाकायदा, देखिए सब हेमंत सोरेन, देख लीजिए ऐसी तस्वीरें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए सब हेमंत सोरेन बाकायदा, गजब की तस्वीरें आप देखिए, बहुत खुशी सभी 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 जो सब लोग हैं, बहुत खुशी कार्यकर्ताओं के बीच, बहुत खुशी। आप देखिए और मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, आइए सहयोगी पिंटू से मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप देखिए कैसा एक कैसा कैसा फीलिंग, एक खाली एक बार इधर भैया, एक बार कैसा फीलिंग, पूरे दिन का तपस्या था, बहुत सुंदर, मत कहो गदगद है। देखिए पूरे दिन पूरा गदगद है सर, पूरा गदगद। देख लीजिए आयुष, सब लोग बहुत खुश, कैसा मैडम, बहुत खुशी, चेहरा का स्माइल सब एकदम। देखिए ये है झारखंड का, ये कैसा एकदम दादा, आज हम इनका दिल गदगद हो, पूरा झारखंड कर 3 करोड़ जनता गदगद हो, कहे कहे कि हिया कर माटी कर लाल हेमंत सोरेन के जे फंसाए वाला है, तू मन खुद फंस के चल गए तू। बहुत बढ़िया, बहुत। देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए हर चेहरे पर मुस्कुराहट है, सब मुस्कुरा रहे हैं। पहला बार देखे ईडी वालों का चेहरा उतरा हुआ था, मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए निकले, बाकी तो ईडी का पूछताछ में सबको देखते थे ऐसे मरल धरल निकल। इसका परफेक्ट एग्जांपल भैया देंगे, देखिए इसका मैं एक सीधा उदाहरण देता हूँ, खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, अरे वाह, कुछ मिला नहीं, कुछ मिला नहीं तो मुंह लटका के जा रहे है ना। आज सारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे देखिए मुस्कान है, यही जीत कहलाती है, ये जीत आज बड़ी है, मतलब आज का मैच तो जीत गया, पूरा जीत गया भैया, हेमंत भैया जिंदाबाद। तो देख लीजिए, गली को मोड़ना पड़ गया, केंद्र सरकार की नाकामी दिख गई और किसके इशारे पर होता है ये सबको पता है। तो देख लीजिए आयुष, अब यहाँ पर बारिश भी शुरू हो चुकी है, तो तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी है, कार्यकर्ताओं के चेहरे पर जबरदस्त मुस्कान है, यही जीत है, इसी को जीत कहते हैं आयुष।